तो क्या आप सभी लोग कनाडा में जॉब करना चाहते हैं? अभी जो है भाई कनाडा में कुछ टाइम पहले जो है वर्क वीज़ा परमिट बंद था और वो अभी रिज्यूम कर दिया गया है, चालू कर दिया गया है। और कनाडा में वैकेंसी बहुत सारी आई है, आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो या फिर कम पढ़े लिखे हो, जैसे कि आपको कोई भी काम के लिए जाना हो मैं आपको काम बता दूंगा। और वहाँ पर भाई सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी मिल जाती है, 50,000 रुपये से 1.5 लाख के बीच में अमाउंट मिलता है आपको मंथली, और ईयरली बेसिस पर जाते हो तो बहुत ही अच्छा वहाँ पर आपको मिल जाता है। कैसे करना है, कौन कौन सी जॉब है, इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूं। चाहे आप पढ़े लिखे रहो या फिर मत रहो, भाई सभी लोग इन सारे जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग प्रोफेशनल जॉब चाहिए उनको वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आज जो बात करने वाले हैं वो है जो लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए, और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप टाइल्स का काम करने के लिए आपको जाना हो, इलेक्ट्रीशियन का काम करने के लिए जाना हो, या फिर आपको प्लम्बर का काम करने के लिए जाना हो, तो आप जा सकते हो और कनाडा में जॉब कर सकते हैं। बहुत ही भारी वैकेंसी निकली है भाई, जैसे कि हाउसकीपिंग की जॉब हो गया, किचन हेल्पर का हो गया, मैनेजर का हो गया, सिक्योरिटी गार्ड, होटल स्टाफ एंड नर्स स्टाफ का। और अगर हम होटल स्टाफ की बात करें तो आपको भी पता है कि होटल स्टाफ में बहुत सारे वहां पर भी स्लॉट होते हैं। जैसे कि सेफ का एक अलग होता है, जो लोग खाना पकाते हैं, उसके अंदर जो लोग सफाई करते हैं उनका अलग होता है, मतलब उसमें भी कई सारे डिपार्टमेंट बटे हुए हैं जो लोग वहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपको कलर के काम में जाना हो, आप ये सारे जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है और वर्क वीजा आपको किस तरीके से मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सब कुछ आप देखो, ये सारे जो वैकेंसी निकली है ना, ये लेबर कैटेगरी के लोगों के लिए है ज्यादातर, जो मैं बताने वाला हूं आपको। और ये सारे जॉब को कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट जाके चेकआउट कर सकते हो और किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको इन सारी जॉब के लिए, अगर आप ये सारी जो मैंने आपको कैटेगरी बताई है जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो इतना याद रखो भाई, अगर आप कनाडा जा रहे हो तो आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। भले आप टाइल्स के काम के लिए जा रहे हो या फिर किसी भी काम के लिए जा रहे हो, इलेक्ट्रिक वाले काम के लिए जा रहे हो, तो अगर आपके पास जो बेसिक इंग्लिश का भी नॉलेज नहीं है तो आप कनाडा नहीं जा सकते, थोड़ा सा इशू आपको हो सकता है। और आप अगर आप सोच रहे होगे कि इसकी एज लिमिट क्या है, तो भाई 18 से 55 साल की एज लिमिट है। 18 से 55 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप कनाडा जा सकते हो, जॉब कर सकते हो, कोई भी कैटेगरी का जॉब कर सकते हो भाई। जो मैंने आपको बता दिया बेसिकली आप इन सारे जॉब को जो है कैसे अप्लाई करोगे, अब उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वर्क वीजा आपको कैसे मिलेगा कनाडा का। अब देखो भाई, ये सारे जो वेबसाइट मैंने आपको मैं जो बताने वाला हूं, यहां पर आपको जाकर अपना सीवी क्रिएट करना है, प्रोफाइल अपना बनाना है, उसके बाद वहां से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका जो है छोटा सा एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाइड कर जाते हैं, शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, तो उसके बाद वहां से जो है कंपनी ही आपको वर्क वीजा दे देगी भाई। क्योंकि जो भी कंपनी अगर आपको यहां से हायर कर रही है ना, यहां से आपका इंटरव्यू होता है इंडिया में, और यहां से अगर वो आपको हायर कर रही है तो वो आपको वर्क वीजा खुद प्रोवाइड करती हैं, बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट के प्रोसीजर होता है वो आपको गाइड कर देती हैं। तो मैं जो भी वेबसाइट बताने वाला हूं तो उसको आप इस एक बार अपने तरीके से भी जो है आप उसे वेरीफाई कर लेना, लेकिन मैंने जो है अपने तरीके से जो है अपने पास से मैंने वेरीफाई करके आपको उस वेबसाइट का मैं आपको लिंक बता दूंगा, उस वेबसाइट का नाम बता दूंगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो सबसे पहली वेबसाइट रही भाई, इसका नाम है LinkedIn। अब आप सोचोगे कि LinkedIn पर किस तरीके से आप जॉब कर सकते हो, तो भाई LinkedIn एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के HR रहते हैं और बहुत सारी चीजें वहां पर रहती है भाई। तो आपको वहां पर जाना है, अपना प्रोफाइल बनाना है, CV क्रिएट करना है, ताकि आप जो CV थोड़ा अच्छा बनाना, क्योंकि CV में क्या है ना, सब कुछ आपका लिखा होता है कि आपने कितना पढ़ाई करी है, कितना एजुकेटेड है आप इससे पहले कौन सी कंपनी में जॉब करते थे या फिर इससे पहले क्या करते थे, सब कुछ जो है CV में लिखा होता है, या इससे पहले जो आप जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी को क्यों छोड़ा, और आपका एजुकेशन, पूरा क्वालिफिकेशन A to Z भाई आपके बारे में पूरा बायोडाटा लिखा होता है CV के अंदर। तो CV बनाना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। अब इंडीड के बाद हम चलते हैं, आप जो अप्लाई कर सकते हैं LinkedIn के बाद इंडीड पे आप जाके अप्लाई कर लीजिए। इंडीड के बाद आता है आपका कनाडा जॉब बैंक एंड जॉब बैंक, रॉबर्ट हाफ है, कैरियर बिल्डर है, ग्लास डोर है, लेडर्स है, इन सारी वेबसाइट पर जाकर जो है आप जो है अपना प्रोफाइल बना के जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, अगर आपको खुद से प्रोफाइल बनाना नहीं आता, तो जो भी आपके कॉन्टेक्ट में अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है तो उसको आप बोल दो
कि भाई हमारा आप यहाँ पर प्रोफाइल बना दो और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर जो HR होंगे उनसे आप कॉन्टेक्ट करके वो खुद शॉर्ट लिस्ट करके आपको कॉल या मैसेज के थ्रू आपसे बात करेंगे और आपको जॉब के लिए बता सकते हैं। देखो अगर आप हायर स्टडी भी करे हो ना, तो अगर आप इंजीनियरिंग पोस्ट पर जाना चाहते हो, टीचर पोस्ट पर जाना चाहते हो, अकाउंटिंग के पोस्ट पर जाना चाहते हो, सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट पर जाना चाहते हो, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप जाना चाहते हो, अगर आपके पास उतनी एजुकेशन है तो आप जा सकते हो। आप लोग भी इन सारी वेबसाइटों पर भाई जाकर जो अपनी प्रोफाइल CV बनाकर आपको बस अप्लाई करना है, ये सभी लोगों के लिए। और वहां से जो है भाई, यहां तक कि जो शॉपिंग मॉल में जो है ना पैकिंग के लिए भी कनाडा में जो लोग बाहर से बुलाते हैं, आपने सुना होगा दुबई वगैरह के लिए लोग बोलते हैं कि हाँ यहां पर मॉल में पैकिंग के लिए जाना है, ये करने के लिए जाना है, वहां पर सामान रखना है, ये सारे कामों के लिए भी वहां पर लोग बुलाते हैं भाई। स्विमिंग पूल सफाई के लिए बुलाते हैं, छोटे मोटे कामों के लिए भी वहां पर लोग बुलाते हैं। तो कनाडा में भाई ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसी निकली है। तो मैंने जो आपको प्रैक्टिकली जो मैंने वेबसाइट बता दी है, आपको इन सारी वेबसाइट के ऊपर जाना है, और इन सारी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाते हो तो वहां से जो है वहां आपको जो है अप्लाई करना है, और वहां पर जो है बहुत सारी कंपनियां होंगी जो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगी, उसके बाद यहां पर इंटरव्यू होगा इंडिया में, इंटरव्यू होने के बाद आपका जॉब लग जाएगा, फिर वो कंपनियां ही आपको वर्क वीजा प्रोवाइड करेगी। अब सेकेंड ऑप्शन की बात करें कि जॉब आप इन सारी जॉब को किस तरीके से ले सकते हो, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप पता करो कि आपके नजदीकी में जो मैन पावर एजेंसी है जो कनाडा के लिए लोग जॉब पर भेजते हैं, क्या वो सारी वैकेंसी जो मैंने अभी आपको बताया उनके पास आई हुई है। अगर वो जेन्युइन मैन पावर एजेंसी है, अगर वो लोग जो है कनाडा में अगर आपको भेज रहे हैं, उनके पास आ रहा है, तो आप उनसे जाके जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप वेरीफाई करो कि जिस मैन पावर एजेंसी के थ्रू आप जा रहे हो उसका लाइसेंस नंबर ओरिजिनल है या फिर नहीं है, उसका पहले पता कर लो। अगर आप वहां से सेटिस्फाई हो जाते हो तो जाकर आप पैसे पे करना, ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको जो है पूरा रिसर्च करने के बाद ही किसी मैन पावर एजेंसी के थ्रू जाना है और पैसे पे करना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दूसरा ऑप्शन रहा। एक तो मैंने आपको प्रैक्टिकली मैंने कई सारी वेबसाइट का नाम बता दिया, उसके थ्रू आप जा सकते हो, या तो आप दूसरा मैन पावर एजेंसी का हेल्प ले सकते हो। कनाडा में भाई अब देखो लोग जाना भी इसलिए चाहते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग हैं जाकर ग्रीन कार्ड लेके वहां पर रह रहे हैं लोग, और आज के टाइम पर उनकी भाई लेबर कैटेगरी में ही 2 से 3 लाख रुपए की मंथली सैलरी है भाई कनाडा में। लेबर कैटेगरी में 2 से 3 लाख सैलरी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है इंडियंस के लिए, और इंडिया में इतनी सैलरी नहीं होगा किसी भी लेबर का कनाडा जैसी कंट्री में है। और भी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पर जो है लेबर का अच्छा खासा सैलरी है भाई, लेबर वर्कर जैसे कि जो छोटे मोटे काम करते हैं, जो यहाँ पर हाजिरी का काम करते हैं, वहाँ पर वो जाकर अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो आप भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, लखपति हो सकते हो। अगर आपको जॉब के लिए जाना है तो भाई आप अभी अप्लाई करो जो मैंने वेबसाइट बताई है वहाँ पर। लेकिन पैसे कहीं भी देने से पहले आप पहले इंक्वायरी ज़रूर कर लेना, अगर आपको वहां से सेटिस्फाई होते हो उसके बाद ही आप पेमेंट करना, अदरवाइज आप मत करना। हमारा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना, और हमने अपना इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया, अपना ओपिनियन, रिसर्च, सब कुछ आपके साथ शेयर किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिन्हें कनाडा में जॉब चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।